तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि सैमसंग फ्रिज के बारे में कुछ ऐसे है कुछ बातें जो शायद ही आपको सुनकर बहुत ही अच्छे लगेंगे और शायद ही आप सैमसंग के प्रति बहुत ही जो उसके प्रति आकर्षित हो सकते हैं। जैसे कि दोस्तों को बता दें कि सैमसंग के सबसे पहले मोबाइल की बात करते हैं कि सैमसंग मोबाइल की तुलना में ये सब कोई दूसरे कंपनी के मोबाइल की तुलना कीजिए और दोनों ही मोबाइल आप एक साथ खरीदिए और आप देखिए कि कौन सा मोबाइल आपका ज़्यादा जो है टेक्सटाइल होते हैं और कौन सा मोबाइल आपका ज़्यादा चलता है और कौन मोबाइल में आपका जो है जो दाम है। हाँ दोस्तों, क्योंकि बहुत ही मायने रखता है कि कौन किस में ज़्यादा दाम है। तो ऐसे में जो है सैमसंग के फ्रिज में और दूसरी कंपनी के फ्रिज में अगर बात की जाए तो दोनों में बहुत ही फ़र्क है, क्योंकि इसमें जो होते हैं आपको 24 घंटे अगर बात की जाए 24 घंटे आपको एक अलग ही इसमें जो है आपको जो आपको कूलिंग मिलती है जो। और इसमें अगर बात की जाए सैमसंग के सब अलग फ्रिज में से सभी अलग फ्रिज में से सैमसंग के फ्रिज में अगर बात की जाए तो इसमें जो टैक्सा है सबसे ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा बहुत दिनों तक चलते हैं। और ऐसे में जो बात की जाए दूसरी कंपनी की तुलना में ये बहुत ही बेटर है और आपकी बिजली को भी बचत करते हैं। सैमसंग के फ्रिज जो है आपके बिजली बचत करते हैं और आपके पैसे को भी बचत करते हैं और आपको जो है फुल जो है वारंटी भी देते हैं। तो ऐसे में जो है इसके सर्विस जो होते हैं सैमसंग के सर्विस जो होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। जैसे आपको कोई भी चीज़ ख़राब होते हैं तो तुरंत एक दिन के दो दिन के अंदर आपके घर आके उस चीज़ को ठीक करके चल जाते हैं। तो ऐसे में जो इसका सर्विस जो है बहुत ही अच्छा है सैमसंग के दूसरे कंपनी की तुलना में। और अगर बात की जाए अगर ठंडा तो इसमें जो है बहुत ही जल्दी आपके कोई भी सामान को ठंडा करते हैं बहुत ही कम समय में। तो इसके लिए ये बहुत ही बेनिफिट और बहुत ही अच्छे हैं। तो दोस्तों जानकारी आपको कैसी लगे हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और हाँ सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर से हमारे चैनल आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय जवाहर, वंदे मातरम।